मधुवापुर प्रखंड क्षेत्र के नया प्राथमिक विद्यालय उत्तरवारी टोल उत्तरा में कार्यरत शिक्षक सह बिशनपुर निवासी संजीव कुमार के निधन से शिक्षक समाज अस्तवध है। निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र के शिक्षक और शिक्षिका पहुंचकर संजीव कुमार का अंतिम दर्शन कर शोक प्रकट किया। वहीं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुवापुर इकाई के प्रखंड अध्यक्ष रुकमणि रमन मिश्र की अध्यक्षता में शोक प्रकट कर संजीव कुमार के निधन के पीछे का खुलासा किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संजीव कुमार का पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा पंचायत शिक्षक के रूप में बहाली किया गया था, किसी कारणवश मानदेय भुगतान रुका हुआ था जिसका विभाग ने बीते अक्टूबर माह में भुगतान कर दिया, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, अवैध रुपए का डिमांड कर रहा था और नियोजन रद्द करने और भुगतान वसूली के लिए धमकी दिया जा रहा था, जबकि पंचायत नियोजन इकाई ने इनकी बहाली को वैध करार दिया था। बावजूद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसका खामियाजा आज इनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। इतना ही नहीं, बीओ के द्वारा प्रखंड के अन्य शिक्षकों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आगे हम लोग संघ के माध्यम से निर्णय लेकर पुतला दहन कर बीआरसी में तालाबंदी करेंगे। हम लोग ऐसे पदाधिकारी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाने का मांग करते हैं। मौके पर शिक्षक हीरा प्रसाद, नथुनी पासवान, महेश पासवान, शंभू प्रसाद, हीरा सिंह, राजेश कुमार, जगन्नाथ मंडल, किशुन पासवान, अजय मंडल, श्याम किशोर मिश्र, रोविन पंडित, त्रिभुवन कुमार, केशव किशोर मिश्र, संजय कुमार सुमन समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। वहीं पक्ष जानने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दूरभाष पर संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं करने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो पाया। अभी जो शिक्षक संजीव जी का जो निधन हुआ है, इसमें बात निकल के सामने आ रही कि बीओ का प्रताड़ना, क्या है पूरा मामला ये बताइए। देखिए, संजीव कुमार का जो निधन हुआ है ना, इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जबरन बेवजह इन पर एलिगेशन लगा करके इसको हटाया गया है और इन्हें प्रताड़ना किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, इस पर एफआईआर दर्ज हो। अच्छा, ये जो चिट्ठी की बात है, पत्राचार हुआ है किस तरह से, और पंचायत नियोजन भी लिख के दिया है। पंचायत नियोजन के द्वारा लिखा गया कि वैध प्रक्रिया के तहत बहाली की गई है, मैं इसे हटा नहीं सकता हूँ। उसके बावजूद भी बीओ को कहा गया बार बार, माने लापरवाही करता था। अच्छा, कल हम इनसे फोन से बात किए टेलीफोनिक, संजीव कुमार बेड पर है, तो बेड पर हम क्या करें, मरता है मरने दो, इस तरह का बीओ का भाषा था। बीओ का भाषा था, अरे जिसमें निश्चित ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मानसिक दबाव पड़ा है, हाँ, जिसके कारण दबाव के कारण इनकी घटना हुई। और आप लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे लापरवाह पदाधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज। हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं शिक्षक की ओर से इन पर हत्या का 302 का मुद्दा बने, हत्या का मामला इस पर आरोप लगे, इनका जांच हो, जांच के बाद इन पर जो कार्रवाई हो उचित कार्रवाई पर। चाहे इस तरह से एक संजीव कुमार के साथ ही मामला हो रहा है कि और अन्य शिक्षक के साथ भी प्रताड़ना का, अन्य शिक्षक के साथ भी हो रहा है। अच्छा, अन्य शिक्षक के साथ भी कर रहे हैं, बहुतों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं, रुपया के लेन देन, रुपया ही मांग करते हैं, मोटी रकम। अच्छा, नहीं देने के चलते किसी टीचर को विरोध में कुछ लिख देते हैं। क्या नाम है आपका? राशि को उगाही में ही बराबर विद्यालय पर घूमते रहते हैं। अच्छा, उगाही के लिए भी घूमते रहते हैं, पैसा राशि उगाही के चलते ऐसा करते हैं। चलिए आगे, मतलब शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करेगी, पुरजोर विरोध, इनका पुतला दहन किया जाएगा, जहाँ तक जो संभव हो हम लोग इनका विरोध करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शंभू प्रसाद। अच्छा, कहाँ है शिक्षक आप? जलसारा विद्यालय उतरा। मेरे परिवार के यह लोग थे, मेरे विद्यालय के शिक्षक थे, मैं सबसे पहले अपना सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। यह बहुत भारी दुखद घटना है। वैसे इनका योगदान तीन जनवरी 2011 ईस्वी को हुआ था मेरे विद्यालय में। यह अत्यंत कार्यरत थे, इनका भुगतान मार्च 19 से बंद था किसी के आवेदन पर स्थापना कार्यालय के द्वारा, लेकिन अक्टूबर में आकर इन लोगों को सितंबर 2022 तक का भुगतान हो चुका है। अक्टूबर से पुनः फिर बंद, अक्टूबर 22 अत्यंत बंद है, और इसी में यह प्रक्रिया है, मुझे पता चला। वैसे अच्छा, बंद का कुछ कारण पता चला होगा? बंद का पता चला जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बंद किया गया है कि इन लोग को अवैध नियोजन किया गया है, जबकि वास्तविकता इन लोग को बैकलॉग पर बहाली हुआ। और यह फ्रेश बहाली जो था, इस पंचायत उत्तरा में 2 सीट, लेकिन यह तो बैक पर हुआ, वही प्रक्रिया चल रहा है।
शिक्षक का नाम क्या? शिक्षक का नाम था श्री संजीव कुमार, जो इस विद्यालय में उनका घर बिशनपुर था। कार्यरत कहाँ थे? कार्यरत नया प्राथमिक विद्यालय उत्तरा उत्तरवारीपुर में। शिक्षक का निधन तो बहुत ही दुखदायी है और इसमें कहना है जो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। विगत 19 से इन लोगों का वेतन अकारण स्थापना के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसका भुगतान पुनः अगस्त 22 तक इन लोगों का एक मुश्त भुगतान विभाग के द्वारा किया गया था विभागीय निर्देशालोक में, लेकिन उसके बाद न जाने किस खटयंत्र के तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुवापुर के द्वारा एक प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को समर्पित किया गया, जिसके आलोक में इन लोगों की सेवा समाप्ति की अनुशंसा नियोजन इकाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया था, जिसको नियोजन इकाई ने मानने से इनकार किया। इन लोगों का बहाली बैकलॉग पर 2010 में विधिवत हुआ था, इसके आलोक में नियोजन इकाई ने इन लोगों की सेवा को समाप्त नहीं किया और इन लोगों के पक्ष में अपनी अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को समर्पित किया। इन सब घटनाक्रम से कहीं ना कहीं ये शिक्षक व्यथित तो निश्चित रूप से थे और ऐसा प्रतीत होता है जो कहीं ना कहीं इनके मृत्यु का एक कारण ये सब घटना भी है। हम लोग आज बहुत शोकाकुल हैं अपने एक साथी के निधन से, समय से पूर्व चले जाने से। विभाग से हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं जो इन के आश्रितों को जो अनुग्रह राशि विभाग से दिए है उसका भुगतान हो, इनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी प्रदान हो, यही कहना है। क्या कहना है बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार ठाकुर है, मैं प्राथमिक विद्यालय हथियारवा में कार्यरत हूँ। मेरा वेतन मार्च 2018 तक एक मुश्त किया गया और बिना किसी पत्र का, बिना कोई पत्र प्राप्त कराए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी श्री अरविंद कुमार राय द्वारा मुझे, मैंने बारंबार आवेदन दिया लेकिन फिर भी उनका ध्यान मेरे आवेदन पर और मेरे ऊपर नहीं किया जा रहा है और सीधा कहते हैं कि आपकी बहाली गलत है। और इस बीच में उन्होंने परसेंटेज का हवाला देकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन प्राप्त कराए जिनकी सेवा समाप्त की जाए, और मैंने परसेंटेज की बात जहाँ तक है वह मैंने NIOSDLET के तहत प्रशिक्षण एवं परसेंटेज 50% से ऊपर अर्हता प्राप्त कर लिया हूँ, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अभी जो फिलहाल बिशनपुर पंचायत में जो श्री संजीव कुमार मिश्र के द्वारा जो घटना घटी है, आए दिन मेरे साथ, मैं भी मानसिक तनाव में रहता हूँ, मेरे साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है, इसलिए अच्छा ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं जो विभागीय प्रताड़ना का ही शिकार है। विभागीय प्रताड़ना के 100% प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हाथ है और इसी तरह मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा है बेनीपट्टी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार राय के द्वारा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।